अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द विकेट विद मुईन खान वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। आज बड़ा एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। वैसे तो बांग्लादेश 40 रन से कुछ हार गई, लेकिन व्हाट अ फाइट, व्हाट ब्रिलियंट बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया ने जाहिर बात है बहुत लाजवाब बैटिंग की। दे हैड द गुड फॉर्च्यून कि उन्होंने टॉस जीता तो पहले बैटिंग की और 381 बना लिए। उसके बाद बांग्लादेश काफ़ी हद तक चेज में रही, 12 रन पर ओवर, 11 रन पर ओवर, 10 रन पर ओवर पे रहे, बट इवेंचुअली प्रूव टू मच फॉर देम एंड दे लॉस्ट बाय 41 रन। लेकिन फिर भी सिर्फ 6 विकेटें गिरी और वो भी 2 विकेटें उसमें से बिल्कुल आखिर में गिरी और कोई 333 बनाए। सो वेल डन बांग्लादेश। हमारे साथ ऑब्वियसली हर दफा की तरह मुईन खान साहब हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, क्रिकेटर, प्लेड इन 2 वर्ल्ड कप्स, दोनों में फाइनल तक टीम को पहुंचाया, एक में जीते भी। मुईन क्या कहेंगे आज आप बांग्लादेश की बैटिंग? देखें ऑस्ट्रेलिया ने तो 381 बनाए, वार्नर ने 166 बनाए, वेरी गुड, बनाते ही रहे, बट बांग्लादेश द वे दे चेस्ट, आई थिंक दे प्लेड रियली वेल, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज दे वर सो क्लियर इन देयर माइंड फॉर चेजिंग। आई थिंक जिस तरह पार्टनरशिप्स हुई हैं, ऑल दो कि आज इनफॉर्म बैट्समैन ने इतने रन नहीं किए, शाकिब 40 ही कर सके, तमीम ने अच्छा स्कोर किया, एंड अगेन बिग पार्टनरशिप बिटवीन जो हमने देखी मुशफिकर और महमूदुल्ला की जो पार्टनरशिप है वो आउटस्टैंडिंग। आई थिंक द वे दे कैरीड द गेम, आई थिंक जो 10 रन 12 रन जिस तरह आपने बताया, हर ओवर में कोशिश कर रहे थे, एटलीस्ट नजर आ रहा था कि दे जस्ट ट्राइंग टू चेज दैट टोटल डाउन, यू नो। सो यही एक अच्छी टीम की पहचान होती है। आई थिंक दूसरी चीज़ दूसरे एंड पे ये हुई है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी थोड़ी सी एक्सपोज हुई है। अब कोई भी टीम को ये इस वक्त पता होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है और 300 प्लस रन करता है तो देन दे आर केपेबल टू चेज डाउन अगेंस्ट देम, यू नो, बिकॉज कि उनकी बॉलिंग एकदम फिर एक्सपोज हुई है, 300 रन कराए उन्होंने। सो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा मैच इस लिहाज से हुआ है कि दूसरी टीमें जो अब अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलेंगी उनको पता होगा कि हम चेस कर सकते हैं। एंड फॉर बांग्लादेश ऑफ कोर्स प्लेइंग वंडरफुल बैटिंग एंड स्कोरिंग मोर देन 340 रन, यू नो, इट्स अगेन अ ग्रेट माइलस्टोन कि उनको भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा ऑस्ट्रेलियन जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर करके। जो फ्यूचर के मैचेस हैं, यकीनन बांग्लादेश ऐसा लगता है कि और दूसरी टीमों को टफ टाइम देगा, यू नो। मोइन 2015 के वर्ल्ड कप में आप भी वहीं थे, उस वक्त भी बांग्लादेश ने इंग्लैंड को नॉकआउट किया था और क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। उस वक्त से लेके अब 2019 में हैव यू सीन सम सॉर्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या उसी तरह की टीम आप देख रहे हैं? नहीं, टीम देखें, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस टीम के अंदर कंसिस्टेंसी है, नॉट ओनली इन देयर परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स, बट द वे द सिलेक्शन कमेटी कैरीड देम थ्रू आउट लाइक फोर इयर्स, यू नो, जैसे उनको कैरी किया और रिस्पॉन्ड भी किया, लड़कों ने भी रिस्पॉन्ड किया, यू नो। आई थिंक कि यही वो कंसिस्टेंसी होती है, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, वंस यू डिसाइड कि ये आपका बेस्ट बेंच स्ट्रेंथ भी है और प्लेइंग 11 भी है और यह बंच है जो 20 22 25 लड़कों का होता है, उसी को थ्रू आउट कैरी करते हुए आ रहे हैं मोर और लेस। मेरा ख्याल है एक दो लड़के ऐसे हुए हैं जो चेंज हुए होंगे, बट आई थिंक ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और इसी चीज़ से लड़कों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और कप्तानी भी हमने देखी है, जो कप्तान हैं शाकिब, पहले कप्तान थे शाकिब ने, अब मशरफी मुर्तजा इस वक्त कप्तान है, आई थिंक बहुत अच्छा। जो मैंने देखा है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान, ज़रा सा कंपेयर करूँगा, वैसे तो हम आगे जाके बात करेंगे। पाकिस्तानी बैट्समैन इतना मिडल नहीं कर रहे हैं बॉल जितना ये कर रहे हैं, और हमारे बॉलर्स जो हैं वो ट्रबल नहीं कर सक रहे हैं जितना इन लोगों ने ट्रबल किया है। तो व्हाट डू यू सी कि व्हाई इज इट कि दे आर टेक्निकली बेटर? ये देखें डिपेंड भी करता है, आप बैड फॉर्म और गुड फॉर्म की बात करते हैं, बैड फॉर्म और गुड फॉर्म भी आपके ही हाथ में होते हैं, यू नो। वंस यू आर क्लियर इन योर माइंड कि आपने कुछ करना है, कंट्रीब्यूट, आपने कुछ अपनी तरफ से डिलीवर करना है अपनी टीम के लिए, यू नो, हर इंडिविजुअल जब ये सोचता है तो नेचुरली परफॉर्मेंस, मैं हमेशा कहता हूँ 11 की नहीं होती, 4-5-6 की हो जाती है थोड़ी थोड़ी, और एट द एंड वो एक टीम एफर्ट बन जाती है। आई थिंक तो यही वो चीज़ होती है, आई थिंक दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि क्या करना है, और दैट्स व्हाई दे आर मिडलिंग द बॉल एवरी मैच में, मैं देख रहा हूँ कि मिडल कर रहे हैं और बहुत सॉलिड मिडल कर रहे हैं। सो आई थिंक क्योंकि उनके प्लान्स हैं वो बहुत क्लियर हैं, कोई फियर नज़र नहीं आ रहा उनके अंदर हारने का, दे आर जस्ट ट्राइंग एंड दे आर प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द बॉल ऑफ कोर्स, कि जिस तरह बॉल आ रही है, जो गैप्स फीड किए हैं माइंड के अंदर,
उन्हीं गैप्स में प्लेस कर रहे हैं, फिर बॉल आप और करते हैं आप, जाहिर सी बात है जब आपकी क्लैरिटी होगी माइंड में, और जब आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे लाइक डबल माइंडेड होंगे तो फिर पाकिस्तान टीम वाला भी आपका हाल होता है कि हम खेलने जा रहे हैं, हम हल्का सा पहले से ज्यूम कर लेते हैं कि हमने पुश करना है सिंगल के लिए, उसमें जैसे हफीज को फुल टॉस मिला, हफीज उसको कन्वर्ट नहीं कर सके बिग सिक्स स्कोर में। एंड उसी तरह की शादाब ने जब बॉल की तो हमने देखा कि जिस तरह रोहित शर्मा ने उसको कन्वर्ट किया सिक्स के अंदर, इट वॉज आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। सो आई थिंक यही वो चीज होती है कि देखें आप, आपको पता होता है कि आपने किस वक्त कन्वर्ट करना है किस वक्त कन्वर्ट नहीं कर, लेकिन आप जब डिस्ट्रैक्टेड होंगे आपके अंदर फियर होगा फेलियर का कि मैं आउट ना हो जाऊं या मैं हार ना जाऊं, तो फिर आप डबल माइंड हो जाते हैं, यू नो। सो आई थिंक बांग्लादेश जो इस वक्त चीज़ कैरी कर रही है, हालांकि आप देख लेंगे उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट बैटिंग जिस तरह लेके चल रही है टीम को तो क्लैरिटी ऑफ माइंड नजर आता है उनके अंदर। अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उस दिन कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब बात हो रही थी और इंग्लैंड के बारे में भी, कि इनकी बॉलिंग दोनों की जरा सी वीक है, इंग्लैंड की भी बॉलिंग एक्सपोज हो गई स्पेशली इन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, और ऑस्ट्रेलिया की जैसे आज बांग्लादेश में, बट यू सेड कि इनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि इतने सारे रन पोस्ट कर देते हैं कि अगर इनकी बॉलिंग को बिटाई भी हो फिर भी ये जीत सकते हैं, और दोनों एग्जांपल आज आपके सामने है। बिल्कुल, कि ऑस्ट्रेलिया ने आज 381 किए तो जीते हैं, तो जीते, वरना 335 इज नॉट अ बैड स्कोर फॉर चेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने देखा कि पिछले मैच में जिस तरह बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस, वही कॉन्फिडेंस कैरी किया इस मैच के अंदर, ऑल्दो 380 वाज अ ह्यूज टारगेट, यू नो ये टीमें शटर्ड हो जाती हैं इसके अंदर, वन साइडेड मैचेस हो जाते हैं, यू नो, एंड ऑल द वे जस्ट वेंट लाइक वेरी वेरी क्लोज, मैं कहूँगा आप गए 30-40 रन पीछे रह गए थे आप, यू नो। सो ये बहुत बड़ी एफर्ट है बांग्लादेश की, तो हारे ज़रूर हैं, बट अगेन मैं समझता हूँ कि बैटिंग का जो कॉन्फिडेंस था वो शेक नहीं हुआ कहीं भी, उस मोमेंटम को कहीं भी लूज़ नहीं किया बांग्लादेश ने, तो यही कैरी आगे करेंगे आगे मैचेस में, जिससे फायदा ही होगा। ऑफकोर्स हारे ज़रूर हैं, तो वो मैं समझता हूँ हारने के बाद कॉन्फिडेंस टीमें लूज करती हैं, बट द वे दे फॉट इट आई थिंक इट वाज ट्रेमेंडस। अच्छा, एक और चीज़ मुइन, बड़ी मशहूर है कि पाकिस्तान टीम जो है वो खोए हुए खिलाड़ी को वापस ले आती है, वो ट्रेडिशन रहा है, हमने 2010 में हसी सुना था रिटायर हो जाएगा, वो एक्चुअली आउट ऑफ फॉर्म था, हमने उसको उससे मैच जितवा दिया, तो इसी तरह लगता है कि हम वॉर्नर को फॉर्म में लाने वाले भी हम ही हैं, क्योंकि जब हमारे साथ उसने खेला तो खूब खेला, तो व्हाट विल यू से अबाउट वॉर्नर्स इनिंग्स? नहीं, आई थिंक इट वाज ट्रेमेंडस इनिंग, एंड पीपल वर एक्चुअली वेटिंग कि एक बड़ी इनिंग वॉर्नर की तरफ से, बहुत अरसे से सब वेट कर रहे थे, एंड ही वाज आल्सो लुकिंग फॉर दैट, ऑल्दो कि वो बांग्लादेश जैसी मैं कहूँगा कंपैरेटिवली कमज़ोर बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ आई, लेकिन रन्स मैटर्स, यू नो, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, और बड़ी टीमों के खिलाफ जाहिर सी बात है वॉर्नर ने तो हर टीम के खिलाफ परफॉर्म किया हुआ ऑलरेडी, उसके कोई डाउट नहीं है किसी किस्म का, यही वजह थी कि एक साल के बाद फौरन ही वो वापस टीम में कम बैक भी हो गया उनको, यू नो, तो कोई डाउट नहीं था ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स के जहनों में भी, तो आई थिंक नो डाउट बहुत ही अच्छा खेले, बहुत मैं तो समझ रहा था आज जिस तरह वो खेल रहे थे आज शायद एक डबल सेंचुरी और होने जा रही है, बिल्कुल, आई थिंक 166 तक पहुंच गए थे, और देखिए इन बैट्समैन की एक अच्छी बात है बिफोर आई गो टू अ पैकेज कि अपनी डबल सेंचुरी का नहीं सोचा, ही वाज स्टिल ट्राइंग टू गेट अ एक और चौका लग जाए, हालांकि वो 2-3 मार चुके थे उस वक्त, एंड ही गॉट कॉट एट शॉट, यही इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी टीमों की कि टीम की जो सोच होती है उस पे इंडिविजुअल सोच को हावी नहीं होने देते, और यही वजह है कि ये टीमें ज्यादा कंसिस्टेंसी से जीतती हैं फिर। बिल्कुल, आई थिंक नाज़रीन आपने देखा होगा उस दिन मॉर्गन ने भी, हालांकि उसके पास भी मौका था अच्छा डबल 100 का, लेकिन उठा उठा के मारता रहा जब तक वो आउट नहीं हुआ वॉर्नर का, तो अच्छी खासी धुलाई की इन दोनों बैट्समैन ने बॉलर्स की, और हम चलते हैं अपने पैकेज पे एरियल दो ढाल, तो एरियल दो ढाल में देखते हैं कि आज कौन है कि, एंड आई थिंक नाज़रीन ने देखा व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू वर सेइंग, बट जो टॉप ऑर्डर था फिंच ख्वाजा भी फॉर्म में आ गए बिकॉज 89 बनाए उन्होंने, ऑल्दो बड़े अजीब तरीके से उन्होंने रन आउट कराया, अगर आपने वो देखा हो कि बेचारा मैक्सवेल 10 बॉलों में 32 बना लिए थे और गई भी फाइन लेग पे, कॉल भी आई मिड पिच पे जाके वो कहता है नो, तो उसके बाद बेचारा आई थिंक नर्वस हो गए 89 पे आउट हो गए, बट ही प्लेड वेरी वेल, नो डाउट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक अच्छी चीज़ हुई है कि ख्वाजा जो कि ड्यू थे बहुत अरसे से कि एक बड़ा स्कोर करें, आई थिंक आज उनको भी कॉन्फिडेंस मिला, ऑल्दो अगेन कि बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी बांग्लादेश की, फिर भी रन्स रन्स होते हैं और कॉन्फिडेंस मिलता है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और मे बी वन ऑफ द रीज़न कि जहाँ जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल सोच जब टीम की सोच के ऊपर हावी होने लगती है तो इस तरह के सिली डिसीजंस होते हैं, मुझे लगता है कि ये बात आएगी के लिए, मुझे लगता है ये बात आएगी कि ख्वाजा ने अपनी 100 के लिए डर गया कि मैं बैटिंग एंड पे जा रहा हूं मैं रन आउट हो जाऊंगा, ये फैक्ट्स हैं,
ये फैक्ट्स हैं और ये बहुत दफा रिपीट हुए हैं। कभी कभी आप देखें कि कोई सिंगल मिस करता है और अगली गेंद पे विकेट गिर जाती है, यू नो, और कभी कभी कोई अननेसेसरी सिंगल लेने की कोशिश करता है तो भी ऐसा हो जाता है। सो आई थिंक क्रिकेट हमेशा कहते हैं कि वाइजली खेलनी चाहिए, पॉजिटिवली खेलनी चाहिए, इंडिविजुअल सोच नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल सोच बड़ी ही, क्योंकि ये टीम गेम है, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, नो, आपको ऑल द टाइम सोचना पड़ता है। और वो प्लेयर जो टीम के बारे में सोचते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, वही ग्रेट प्लेयर्स एट द एंड बनते हैं। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट और कोच जितना सख्त है, उन्होंने आई थिंक ख्वाजा से बात तो की होगी, शायद एक दो दिन में खबरें आ जाएं कि यू नो प्ले फॉर द टीम। नाज़रीन, हम चलते हैं, आज विकेटें भी काफ़ी गिरी, हम चलते हैं ऑलपर्स फॉलो विकेट्स की तरफ और उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मजीद बातें करेंगे। पाकिस्तान बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट विद मुइन, वर्ल्ड कप 29 स्पेशल। अब हम चलते हैं कुछ पाकिस्तान के मैचेस के मैच की तरफ जो संडे को होने वाला है। 23 जून को पाकिस्तान टीम लंदन पहुंच गई थी, अबाउट दो दिन पहले उनको थोड़ा सा रेस्ट भी दिया और आज से प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ है। और हम चलते हैं, आपको एक पैकेज दिखाते हैं जिसमें मोहम्मद हफीज़ हैं, जिन्होंने टॉस के बारे में भी बात की, जिन्होंने कुछ ग्रुपिंग के बारे में भी बात की और एक दो और बातें की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा मीडिया से, फिर मुइन से डिस्कशन करते हैं। यार मैं पता नहीं, मेरे तो अपने 16-17 साल के कैरियर में पाकिस्तान के हमेशा जब हारते हैं तो पता नहीं क्यों कहाँ से ऐसी चीज़ें बाहर निकलती हैं। हम एक हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग यहाँ पर अपने मुल्क को रिप्रजेंट करने आए हुए हैं और तमाम लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है जो जो बाद में हारने के बाद आती है। ये जीत के बाद क्यों नहीं आती? जीत के भी तो आप ये बातें कर सकते हैं, लेकिन जब इंग्लैंड के खिलाफ हम जीते थे तो कोई बात सामने नहीं आई। इंडिया से मैच हार गए तो ग्रुप बन गया, तो ये सब फजूल बातें हैं। हम नॉन इशूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। मेन इशू, क्रिकेटिंग इशू ये है कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले सो फार इन द वर्ल्ड कप। इसकी जिम्मेदारी मैं भी ले रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि सबको लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग अगले मैचेस में पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जान लगाएंगे कि हम लोग बेहतर रिजल्ट्स लेके आए। मैं समझता हूँ कि टॉस के ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। ट्वीट्स कोई भी पढ़ के जो है वो अपने फैसले नहीं लेता, किसी की राय पहले पूछ के कोई जो है वो अपने राय चेंज नहीं करता। जो भी बेस्ट डिसीजन लगा हमारे कप्तान को, हमारी मैनेजमेंट को, वो लिया गया। हम एज ए टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, उसकी जिम्मेदारी किसी एक के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। मैं पहले भी कहता रहा हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर और अब भी कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी एक बंदे की नहीं है, जिम्मेदारी हम सब की है। बिल्कुल, हफीज़ ने यही कहा कि जिम्मेदारी सबकी है और किसी एक खिलाड़ी की नहीं है। ज़ाहिर बात है टीम गेम में ये तो होता है, लेकिन ये मुइन ये ट्विटर का क्या जिक्र कर रहे थे? एक्चुअली सवाल हुआ होगा इमरान खान साहब के ट्विटर के ऊपर, सवाल होगा यकीनन कि इमरान भाई ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि पहले बैटिंग करो। पहले बैटिंग, आई थिंक देखिए शोएब भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ इमरान भाई, लाइक लेजेंडरी क्रिकेटर, बट ऑफकोर्स ऑन ग्राउंड रियलिटी भी कंसिडर होना चाहिए। और आई थिंक बींग प्राइम मिनिस्टर और लेजेंडरी कैप्टन, आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, यू नो, मेरा ख्याल है कि इमरान भाई को ट्वीट ही नहीं करना चाहिए था, यू नो, बिकॉज़ कंफ्यूज हो जाते हैं प्लेयर्स और मैनेजमेंट, कितने लेजेंडरी क्रिकेटर की नहीं सुनेंगे तो बुरा लगेगा। अब नहीं सुना तो उसके बाद नईम उलग साहब का भी बयान कि सरफराज ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यार अब ये आप टूर्नामेंट चल रहा है, मेरा मतलब है आप रूलिंग पार्टी में, गवर्नमेंट के अंदर है, मेरा मतलब हौसला दें लोगों को, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो हफीज़ हो, चाहे हमारा कोई भी प्लेयर हो, यू नो। सो अभी है हौसला देने की बात है, हौसला देना चाहिए। और आई थिंक के आई डोंट नो इमरान, मैंने क्या सोच के ट्वीट किया, बट नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल में हुआ ये था कि जब टीम मिलने गई थी उस वक्त भी इमरान ने कहा था जब वर्ल्ड कप से डिपार्ट हो रहे थे कि यू नो वही जो 92 की स्पिरिट थी वही लेकर आओ, और उन्होंने यही कहा था जो फाइनल में भी उन्होंने किया था टॉस जीत के, और बाकी जगह भी उन्होंने देखा था कि पहले बैटिंग करने में जो एडवांटेज है जब बड़ा मैच होता है, छोटे मैच में तो चल जाता है आप जरा पिच भी देख लेते हैं कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं बड़े मैच में जो उनकी थियरी रही है, नथिंग टू डू विद कि उस दिन पिच की क्या कंडीशन है, थियरी ये रही है कि बड़े मैच में पहले बैटिंग करो, होता है बिल्कुल, क्योंकि चेजिंग में प्रेशर आता है, प्रेशर आता है, बिल्कुल ऐसी होता है। इसी वजह से सारे कप्तान की कोशिश होती है कि पहले बैटिंग करके एक बड़ा टोटल पोस्ट करें, क्योंकि उसमें देखिए आपकी एक हिस्ट्री है, आपकी बॉलिंग ने बहुत परफॉर्म किया है, सेकंड बॉलिंग के अंदर बहुत छोटे छोटे टारगेट भी रोके हैं, यू नो। सो आई थिंक कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री थी, हमने पहले बॉलिंग की, बट अनफॉर्चुनेटली राइट जगह पर जहाँ बॉलिंग करनी चाहिए थी, मॉइस्चर तो नज़र आ रहा था पिच में सेकेंड इनिंग में भी, जहाँ बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने आगे बॉलिंग की वहाँ से उनको हेल्प मिल रही थी, यू नो, आपके बैट्समैनों को डिस्टर्ब किया है, और उस वक्त 50-60 ओवर, इट मीन्स के 3-4 घंटे के बाद भी
मॉइस्चर था पिच के अंदर, तो इट मींस शायद डिसीजन ठीक था उनका उस वक्त, बट हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग ना करके 300 प्लस रन बनवा दिए इंडिया से, यू नो. बट ऐसी सिचुएशन में आई थिंक देखें एक बात कि हाँ होता है, बट ऑन ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर आप बेटर जज होते हैं. और सरफराज ने अकेला फैसला तो नहीं किया होगा ना, वहाँ पे कोच भी होगा और लोग भी होंगे. कि ऐसे मौके पे तो देखें सीधी सी एज अ प्रोफेशनल मुझसे बोलेंगे भाई टॉस आपके हाथ में नहीं है, अच्छा बैटिंग आ गई तो क्या होगा, उन्होंने दे दी तो क्या होगा, टॉस तो आपके हाथ में नहीं, अच्छा टॉस जीत गए तो हम ये करेंगे. बट यू हैव टू इंश्योर कि जो भी आपके प्लान हो उसमें क्लैरिटी हो और उसकी एग्जीक्यूशन में आपकी टीम की थॉट शामिल हो. टीम की थॉट का मतलब ये है कि अपनी थॉट को नजर आए उस टीम के अंदर, रिफ्लेक्ट होती हुई कि हाँ सब क्या कंसेंट था, सब एक है इस चीज़ के ऊपर. यू नो जब आप परफॉर्म वैसा नहीं करते या आप एफर्ट नहीं कर रहे होते फिर नज़र आता है कि टीम में रिफ्ट की जो बात होती है ना वो बेसिकली रिफ्ट नहीं होती है, वो एक एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें इसको, कि शायद मे भी कोई टीम में ऐसा प्लेयर हो वो सोच रहा हो कि नहीं यार हमने बॉलिंग गलत करी, हमें बैटिंग ही करनी चाहिए थी, या हमें बैटिंग हमने कर ली बॉलिंग करनी चाहिए थी. यू नो तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो आप इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं बेसिकली. तो एज अ प्रोफेशनल मेरा हमेशा अपने टीम के प्लेयरों को यही मशवरा है कि भाई जो भी करना है क्लियर ऑफ माइंड्स के साथ करो, ताकि आपकी जो एग्जीक्यूशन होगी उसमें क्लैरिटी रहेगी. जब आप हिट मारने जाओगे आप हिट मारोगे, आपने रोकना आप रोकोगे, आप कॉन्फिडेंट होगे कम से कम. मैं तो बड़ा इंस्पायर होता था जब भी दुनिया के टॉप क्लास बैट्समैनों को देखा. कप्तानी भी की है बिल्कुल, रिकी पोंटिंग जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे, ये तो ये ढूंढ रहे होते कि यार जो बेस्ट बॉलर उसको मारना है, हमने उसकी पिटाई करनी है. तो उससे होता ये है कि जब उसकी पिटाई हो जाती है ना किसी भी ऐसे टॉप बॉलर की, आपका अदर ड्रेसिंग रूम तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार अब तो बाकी की तो मुझे याद है 2003 में सेंचुरियन में जब वर्ल्ड कप का मैच हुआ था तो तेंदुलकर ने वसीम अकरम और शोएब अख्तर को दोनों को ऐसा मारा था कि 5 ओवर में को 50 हो गए थे. सहवाग ने भी मारा था तो वसीम और वो शोएब, और बल्कि वकार भी आ गया था तीसरे ओवर में. जी हाँ बिल्कुल, सेटल नहीं हो सके, नहीं सेटल हो सके. 5 ओवर में 50 रन अगेंस्ट वसीम वकार एंड शोएब अख्तर, खत्म हो गया. क्या हुआ उस मैच का रिजल्ट आप देखें ना. यही होता है कि फिर जो ड्रेसिंग रूम में लोग बैठे होते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है मैच, कि यार अपना काम तो हो गया, अब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उनके अंदर. सो आज एक और डेवलपमेंट हुआ है मुइन, जरा से एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मोहसिन खान साहब जो क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन थे एक साल पहले बनी थी, उसमें वसीम अकरम भी थे, मिसबा अलग भी थे, 2-3 लोग और भी थे, आई थिंक मुदस्सर नजर भी थे और बिस्मा भी थी शायद. तो उन्होंने अपनी चेयरमैनशिप से अलीहदगी ले ली है. अब वो रिज़ाइन किया है या वजूहत नहीं पता चली या उनको हटाया गया है, आइए एक पैकेज देखते हैं, जरा मुइन से इंसाइट भी लेते हैं. जी आपने पैकेज देखा मुइन, काफ़ी थियोरीज निकल रही हैं, जैसे मैंने बताया कोई कह रहा है कि जी क्योंकि मोहसिन के कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो PTV में बैठे कमेंट्स भी दे रहे हैं तो उनको यू नो हटा के वो वसीम खान को रखा गया. लेकिन ये बड़ी अनयूजुअल बात है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करते हैं कि क्रिकेट कमेटी जो है वो 3 साल का रिव्यू करेगी और शाम को या दूसरे दो मोहसिन सबसे पहले कहते हैं कि मेरा नाम हटाते हैं, जबकि वो इतने अरसे से कहते रहे हैं कि मैं अगर पावर में आऊँ तो मैं ये करूँ. क्या हुआ है? हाँ देखिए सबसे पहली बात है कि मुझे तो डिसीजन अच्छा लगा. देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप चेयरमैन क्रिकेट कमेटी भी और आप टीवी पे बैठ कर नेशनल मीडिया के ऊपर आप उन्हीं प्लेयर्स के बारे में बात, वो तो 15-20 दिन बात कर रहे हैं. देखें PTV पे तो वो 20 दिन से बैठे हुए हैं, तो 21वें दिन क्या ख्याल है? मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, ख्याल किसी वक्त भी आ सकता है. बहरहाल मुझे इस सेंस में डिसीजन अच्छा लगा है, और क्योंकि क्रिकेट कमेटी जो थी वो एक्टिव नहीं थी, एक तो जब से बनी है हमने देखा कि कोई 3 मीटिंग ऐसी कोई एक्टिव नहीं थी, कोई उनकी जो कहना चाहिए थी फाइंडिंग्स या रिकमेंडेशंस क्या थी क्या नहीं, कभी कोई दी भी नहीं, यही बात निकल के आई है कि कोई पॉजिटिव रिकमेंडेशन भी नहीं आई. आई थिंक के बहरहाल उनका अपना डिसीजन है और क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट किया, इट मींस क्रिकेट बोर्ड रेडी आई थिंक देवर. और जो कुछ हल्कों से खबरें भी आ रही थी कि जो डिसीजन था ये क्रिकेट कमेटी वाला, उस पर भी थोड़ा सा कुछ क्रिकेट बोर्ड के ही लोगों में ये पाया जाता था कि वो रिग्रेट कर रहे थे डिसीजन के ऊपर कि मोहसिन साहब को चेयरमैन बनाया इसके ऊपर. तो आई थिंक यही वजह थी कि एकदम रिग्रेट ये भी हो रहा था, एकदम एक्सेप्ट हो गया रिजाइन, यू नो, क्योंकि उन्होंने मिकी आर्थर को बड़ा बड़ा भला कहा था, फिर कहा था सरफराज को कप्तान नहीं होना चाहिए तीनों फॉर्मेट का. तो शायद ये भी सोचा हो कि जो आदमी इतना कमिट हो चुका है वो फिर अनबायस्ड
तो नहीं हो सकता ना वो, फिर वो जो पहले कहा है वही करेगा। मैं यही बोला वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है चीजों के अंदर। आई थिंक डिसीजन अच्छा, और मीडिया पे जिस तरह वो है और वो काम करते हैं, मेरा ख्याल है कि एक अच्छा है कि ऐसे क्रिटिक भी होने चाहिए प्लेयर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, लोगों की इस्लाह होती है इनसे। अच्छा ये भी रीजन आ रहा है कि प्रॉब्ली ही वांट्स टू मेक हिमसेल्फ अवेलेबल, चेयरमैन क्रिकेट कमेटी रहते तो फिर वो अवेलेबल नहीं होते कि अगर कल को नया कोच आए या नया चीफ सिलेक्टर आए तो व्हाई नॉट। आई थिंक अपॉर्चुनिटी सबको अवेल करनी चाहिए, हर एक का सबका हक है यू नो। अगर वो उस दौड़ में जाना चाहते हैं और समझते हैं कि वो डिलीवर कर सकते हैं कुछ कंट्री के लिए तो व्हाई नॉट। अच्छा एक दो चैनल्स ने तो आपका भी नाम लिया चीफ सेलेक्टर के लिए, सुना मेरा तो चलता रहता नहीं मुझे अभी फिलहाल। अच्छा दो तीन चैनल्स हैं, मुझे टाइम टू टाइम मीडिया पूछता रहता है। अगेन शोएब भाई बात, इट्स एन ऑनर, ऑफ कोर्स आपने खेल लिया, सही बात है। अब आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है ऐसी और आप खुद कीन है कि हाँ, पहली बात तो ये है कि जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ दैट यू नो, बट अपने आप के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं उस जॉब को और आप डिलीवर कर सकते हैं कुछ, नॉट ओनली कि यार बस एक प्रोफाइल बढ़ाने के लिए आप ये काम करें। तो पहली बात ये कि मुझे तो ऐसा पसंद नहीं होता ये काम के इस तरह का, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, चाहे वो कोच हो चाहे वो सिलेक्टर हो या मैनेजर हो टीम के यू नो। सो यकीनन ये ऑनर की बात है और अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो यकीनन मैंने हमेशा कहा है क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल, बट क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस होना चाहिए कि अगर मेरे अंदर कोई एबिलिटी है वो समझते हैं तो जरूर मैं हाजिर हूँ विद अथॉरिटी, विद अथॉरिटी ऑफ कोर्स। नाज़रीन आपने मुईन के कमेंट सुने, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। कल भी एक मैच है जो बड़ा मजेदार मैच हो सकता है, श्रीलंका इंग्लैंड का, अगेन वन साइडेड नजर आ रहा है, बट आज जिस तरह बांग्लादेश ने फाइट की और श्रीलंका ने जिस तरह से इम्प्रूव्ड एक दो शोइंग्स की हैं तो एनीथिंग इज पॉसिबल। आइए चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं फिर उस मैच पे भी डिस्कस करते हैं। बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट्स विद मुईन खान वर्ल्ड कप 29 स्पेशल। कल एक बड़ा जबरदस्त मैच है बिटवीन श्रीलंका एंड इंग्लैंड, वो भी डिस्कस करेंगे मुईन से, एक दो चीजें और भी डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स टेबल दिखाएंगे आज के मैच के बाद। लेकिन अभी हम चलते हैं आपको दिखाने फोर्स ब्रॉट टू यू, चाहे वो एज लगे या मिडल ऑफ द बैट पे लगे, या फोर इज अ फोर, एट व्हाट अबाउट सिक्सेस। आज मैक्सवेल ने भी बहुत हिटिंग की, वॉर्नर ने तो की 166 में, आइए देखते हैं सिक्सेस ब्रॉट टू यू बाय टैंक। राइट, सिक्सेस गलोर, आज बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, बहुत छक्के लगे और रिफ्रेशिंग मोमेंट्स भी हुए। लेट्स हैव अ लुक एट रिफ्रेशिंग मोमेंट्स ब्रॉट टू यू अगेन बाय टैंक। इन कमिंग टू टुमारोज मैच, इट्स एट हेडिंगली लीड्स बिटवीन श्रीलंका एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑब्वियसली वन ऑफ द टॉप फोर, श्रीलंका यू नो देयर फोर पॉइंट्स पाकिस्तान से तो आगे, बट देयर एंड देन, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ टुमारोज मैच के, आज जैसे बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को नियर टफ टाइम दिया, आप देख रहे हैं कि कल श्रीलंका भी इंग्लैंड को नियर टफ टाइम देगी? देखिए लीड्स का एक हिस्ट्री है कि गेंद वहाँ पे मूव होता है यू नो, श्रीलंका टॉस जीतता है, बॉलिंग करता है पहले और अर्ली विकेट्स जो कि स्ट्रेंथ है इंग्लैंड की यू नो कामयाब हो जाते हैं जल्दी आउट करने में 250 के अंदर यू नो, फिर ये एक चांस मुझे नज़र आता है कि श्रीलंका कैपेबल इज टू विन अगेंस्ट इंग्लैंड यू नो, अदरवाइज इंग्लैंड जिस तरह खेल रहा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इतने बड़ा स्कोर लगा देते हैं या चेजिंग में भी इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है कि वो चेस डाउन भी कर लेते हैं आराम से। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर श्रीलंका टू विन दिस मैच, बिकॉज इंग्लैंड फुल फ्लैश फॉर्म में, अपनी कंडीशंस में बहुत आइडिया है उनको खेलने का, इवन जो उनकी एक कहना चाहिए जो बॉलिंग है जिसे हम थोड़ा सा वर्नेबल कह रहे हैं कि कहीं भी ये जवाब दे देगी, कहीं चेजिंग की अच्छा का अपने कभी भी जवाब दे देगी। सो आई थिंक उनके लिए भी मौका है कि अपने आप को बेटर करें, क्योंकि ये एक मोर ऑर लेस एक प्रैक्टिस मैच सॉर्ट ऑफ कहूँगा मैं, बिकॉज के इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रही है यू नो, सो इंग्लैंड क्लियरली नज़र आ रही है सेमीफाइनल में जाते, वेयर एज श्रीलंका के लिए बहुत ही मुश्किल मैच होगा। सो इंग्लैंड मुझे लगता है कि कल आराम से जीतेगी, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, अनलेस के विकेट जल्दी गिरा दे, मैंने पैकेज देखते हैं, लेकिन उससे पहले बस मैं एक चीज पूछूंगा, आपने वहां बहुत खेला है, बिकॉज 92 के टूर में भी गए, 96 में भी गए, इनफैक्ट आपकी पहली टेस्ट सेंचुरी ग्राउंड पे थी इफ आई एम नॉट मिस्टेक, मैंने नॉट द फर्स्ट वन बट आई हैव मेड अ सेंचुरी देयर अगेंस्ट इंग्लैंड, 105 रन किए थे मैंने 96, एंड दैट वाज अ कमबैक टेस्ट बिकॉज आप काफी दिन से कीपिंग नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट वन ऑफ द अदर फेमस मैच वाज दी ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया 1999 का वर्ल्ड कप, जहां वो मेरी एक करियर के अंदर बहुत बहुत फेम, आज भी लोग लाइक पूछते हैं कि यार आपने मैग्रा को कैसे, आई थिंक एंड में द रन्स दैट यू स्कोर्ड और मैग्रा को स्वीप करके 6 बहुत कम लोगों ने मारा, तो एक्चुअली पहली दफा शोएब भाई हुआ था कि मैग्रा को किसी भी दुनिया के प्लेयर ने मारा था यू नो, सो इट वाज That is why वो परफॉर्मेंस होती बहुत बड़ी मानी गई। लाइक
कि इट वाज लाइक आज के दौर में तो मोरलेस हर मगर उस पर ना इतने मोटे बल्ले होते थे, ना इतनी छोटी बाउंड्रीज होती थी। 10-11 बॉलों पे 31 रन मैंने बनाए थे। आज मैं बोलता हूँ कि आज देखता हूँ तो आज हर प्लेयर ही बना रहा था, क्योंकि सिर्फ वजह यह थी कि मैगरा जैसे बॉलर को मारा था, तो वो आज तक लोगों तो पैकेज देखें या मैच नाज़रीन वेरी क्विकली एक पैकेज देखते हैं अबाउट टुमारोज मैच। सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग मुइन, मैच जैसे आपने कहा इंटरेस्टिंग हो सकता है, आपने अपनी यादें भी कहीं। और बाय द वे जस्ट बिफोर वी गो वी जस्ट हैव अ मिनट लेफ्ट, आज एनिवर्सरी है 20th एनिवर्सरी ऑफ द फाइनल एट लॉर्ड्स 1999। आज के दिन आप लोगों ने फाइनल में हमें रिप्रेजेंट किया था। इट वाज अनफॉर्चुनेट कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो उस वक्त दुनिया की बहुत ज़बरदस्त टीम मानी जाती है, उसने इतनी टैलेंटेड और पावरफुल टीम को किया था। जब ड्रेसिंग रूम में आए थे आफ्टर गेटिंग ऑल आउट फॉर 132, क्या माहौल था? एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, क्योंकि हमें पता लग गया था कि अब हम हार गए, बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को लिफ्ट किया था, कोशिश की थी कि जाके कुछ एफर्ट की जाए, बट I don't see कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया हो कि जिसकी वजह से हम कम बैक करते, एक ही आउट कर सके थे, रिकी पॉन्टिंग आउट हुए थे और कोई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, देन अदरवाइज वन साइडेड मैचेस तो होते रहे, देयर इज नो नथिंग लाइक दैट। नाज़रीन आज हमारे वक्त का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।